सो हे पोके आर्मी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है पोकेमोन के बैंड एपिसोड्स के ऊपर, यानी कि पोकेमोन के वो सारे एपिसोड्स जो बहुत सारे कंट्रीज में बैंड हो चुके हैं या फिर कहूँ वर्ल्ड वाइड बैंड हो चुके हैं। तो ये वीडियो पोकेमोन के डिलीटेड सीन्स के ऊपर नहीं होने वाली है। पोकेमोन के डिलीटेड सीन्स और बैंड एपिसोड्स ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो मैं पोकेमोन के डिलीटेड सीन्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सपोर्ट करना, तभी मैं डिलीटेड सीन्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो आज हम बात करते हैं पोकेमोन के बैंड एपिसोड्स के ऊपर। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए, लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिनोसेंसी पॉरिगोन। तो इस एपिसोड में पॉरिगोन पोकेमोन को पहली बार दिखाया गया, लेकिन इस एपिसोड को बैन करना पड़ा क्योंकि इस एपिसोड की वजह से बहुत सारे बच्चों की आंखें खराब हो गई और कुछ लोग तो उल्टियां करने लगे, और बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को तो कैंसर तक हो गया था, और इसीलिए इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। क्योंकि इस एपिसोड के एक सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे मिसाइल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे और उस डिस्ट्रॉय की वजह से एक लाइटनिंग निकल रही थी, तो उस लाइटनिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों की आंखें खराब हो गई और कुछ लोग उल्टियां करने लगे और कुछ लोगों को तो कैंसर हो गया। तो इसीलिए इस एपिसोड को बैन करना पड़ा क्योंकि ये एपिसोड बच्चों के लिए सही नहीं था, हार्मफुल था। नंबर 2, ब्यूटी एंड द बीच। तो इस एपिसोड को बैन करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है जेम्स। तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पर कि जेम्स किस तरह का कपड़ा पहना है और वो क्या कर रहा है, कितना अश्लील है ये लोडा। स्वेयर इसलिए इस एपिसोड को बैन करना पड़ा, तुम देख ही सकते हो जेम्स क्या कर रहा था, और सही सही हुआ यार, इससे बच्चों को गलत इम्पैक्ट पड़ता। नंबर 3, द लेजेंड ऑफ डिराटिनी। तो इस एपिसोड को बैन करना पड़ा गन के वजह से। इस एपिसोड में बहुत बार गन का यूज़ किया गया, यानी कि ये जो बुड्ढा है ये इसने बहुत बार गन का यूज़ किया था, और तो और ये एस के ऊपर गन भी ताना था, इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया ताकि इससे कोई बच्चे को गलत इफेक्ट ना पड़े और ये सेफ रहे बच्चों के लिए। तो इसलिए बैन कर दिया गया गन के वजह से, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एनिमीज़ हैं जो कि गन का यूज़ किया जाता है, बट वो सारे एनिमीज़ के एपिसोड तो बैन नहीं होते हैं, पोकेमोन का बैन क्यों हुआ आई डोंट नो। नंबर 4, एस एंड मे की किसिंग वाले एपिसोड। तो इस एपिसोड में एस और मे की किस होने वाली थी, तो इस एपिसोड का नाम होने वाला था किस अंडर द मिस्टेल्टॉय, और ये एपिसोड 357 होने वाला था। तो इस एपिसोड में बताया जा रहा था कि एस और मे की किस होती, लेकिन इस एपिसोड को कुछ दिन दिखाने के बाद ही बैन कर दिया गया, और कुछ लोग का मानना है कि ये एपिसोड दिखाया ही नहीं गया था, पता नहीं ये क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन ये सीन बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था और बताया जा रहा था कि ये एपिसोड नंबर 357 का था जो कि बैंड हो चुका है। नंबर 5, द आइस केव एंड हॉलीडे हाई जिंक्स। ये दोनों ही एपिसोड्स को जिंक्स पोकेमोन के वजह से बैंड कर दिया गया है क्योंकि जिंक्स पोकेमोन का कैरेक्टर डिज़ाइन यूएसए का कोई जाति से मिलता जुलता है, और इसीलिए ये दोनों एपिसोड्स को बैन कर दिया गया है क्योंकि जिंक्स ये दोनों ही एपिसोड्स का मेन कैरेक्टर था और इसलिए बैन हो गया, और ये एपिसोड्स जापान के अलावा और कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है और ये अभी भी बैंड है। सो गाइस ये थी पोकेमोन की कुछ बैंड एपिसोड्स जो कि वर्ल्ड वाइड या फिर कुछ कंट्रीज में बैंड हो चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे पोकेमोन के बैंड एपिसोड्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सपोर्ट करना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं बहुत जल्द पोकेमोन के डिलीटेड सीन्स के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं बहुत जल्द पोकेमोन के डिलीटेड सीन्स के ऊपर वीडियो लाऊं। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।